नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक अनसुइया और आप देख रहे हैं कुश्ती का मेरा चैनल कुश्ती रेसलिंग लाइव टीवी। दोस्तों, ये खबर है महाराष्ट्र से और महाराष्ट्र केसरी 2020 को लेकर ये खबर है। और महाराष्ट्र में हर साल महाराष्ट्र केसरी का कंपटीशन हो रहा है और बीते 70 सालों से ये कंपटीशन हो रहा है। ये संस्था जो महाराष्ट्र केसरी करवाती है, शरद पवार जी इसके अध्यक्ष हैं। बहुत ही जाना माना कंपटीशन है और एक तरह से हम महाराष्ट्र निवासियों के लिए ओलंपिक खेलों की तरह ही ये कंपटीशन है। और महाराष्ट्र के जितने भी बड़े नाम हैं, बड़े पहलवान हैं, विजय चौधरी पहलवान थे, रोहित पटेल पहलवान थे, तो जितने भी माने हुए पहलवान थे उन्होंने ये टाइटल लिया है। और इस बार के टाइटल में भी बहुत महाराष्ट्र के लगभग सभी ज़िलों से पहलवानों ने भाग लिया। मौली जमदाड़े, अभिषेक, अभिजीत कटके, तो और भी नामी पहलवान जो थे इसमें, बहुत सारे पहलवानों ने भाग लिया। और एक नामी पहलवान हैं किरण भगत, उन्होंने हालांकि भाग नहीं लिया, बताया जा रहा था कि वो चोटिल हुए और इस बार के कंपटीशन से वे बाहर रहे। तो दोस्तों, बहुत शानदार ये कंपटीशन हुआ और फाइनल में हर्षद सादगीर और शरद सेल के ये दो पहलवान आए कि दोनों ही अर्जुन अवार्डी काका ओलंपियन काका पवार पहलवान जी के शिष्य रहे। और यूं तो काका पवार पहलवान जी ने बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे पहलवान, इंटरनेशनल पहलवान दिए हिंदुस्तान को, राहुल लवारे। तो ये जो अखाड़ा है काका पवार जी की, जो तालीम है, इसमें कभी पहले महाराष्ट्र केसरी का टाइटल या महाराष्ट्र केसरी की गदा कभी नहीं पहुंची। और इस बार बड़ी खुशी की बात है कि फाइनल में दोनों पहलवान काका पवार पहलवान जी की तालीम से ही थे। और महाराष्ट्र केसरी का जो टाइटल, जो विजेता, जो महाराष्ट्र केसरी बने, वो रहे हर्षद सादगीर। बहुत अच्छे पहलवान हैं ये। और अभी हमने नेशनल, सीनियर नेशनल में भी इनको देखा था ग्रीको रोमन में खेलते हुए, जहां इनको सिल्वर मेडल मिला था। और खेलो इंडिया के अंडर 23 में भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया था। और बहुत सारे छोटे मोटे इनाम और इनके नाम पर हैं। बहुत अच्छे पहलवान हैं और महाराष्ट्र केसरी में ये विजयी हुए, महाराष्ट्र केसरी बने। बहुत बहुत बधाई हर्षद पहलवान को और साथ ही उनके जो उपविजेता रहे पहलवान को भी बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, महाराष्ट्र केसरी का जो ये कंपटीशन है, बहुत शानदार रहा और बहुत चर्चा में रहा। और मेन बात यह है कि 70 सालों से ये कंपटीशन हो रहा है, एक तरह से महाराष्ट्र के लिए ओलंपिक ही है ये कंपटीशन। और हिंदुस्तान के सभी स्टेट्स में लगभग कंपटीशन होते हैं, जिनमें पंजाब केसरी, यूपी केसरी, एमपी केसरी, राजस्थान केसरी और हिमाचल केसरी, हरियाणा केसरी, दिल्ली केसरी टाइटल बहुत मशहूर रहते हैं। और इस प्रकार जब ये पहलवान अलग अलग स्टेट से केसरी बनकर आते हैं, तो फिर इनका एक कंपटीशन होता है जो रुस्त में हिंद या हिंद केसरी होता है। तो मिट्टी की कुश्ती की एक बहुत शानदार परंपरा है और बहुत प्राचीन परंपरा है और उसका ये एक शानदार उदाहरण है महाराष्ट्र केसरी। और हालांकि अब जो है महाराष्ट्र केसरी पॉइंट्स पर होता है और 3-1 से हर्षद पहलवान ने ये मुकाबला जीता। तो एक फ्यूज़न है, एक मिक्स है, एक प्रयोग है मैट की कुश्ती और मिट्टी की कुश्ती को बराबर लाने का ये प्रयास है और इस प्रयास की तारीफ भी होनी चाहिए। और एक अभाव भी उत्पन्न होता है इससे कि जो मिट्टी की कुश्ती है चितपट की, वो जो है थोड़ा पिछड़ती हुई मालूम होती है। लेकिन हिंद देश भर में दिन प्रतिदिन दंगलों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो मिट्टी की कुश्ती भी अपना अस्तित्व
बचाए रखेगी। और इस प्रकार के जो कंपटीशन हो रहे हैं, जो मिक्स कंपटीशन हैं, उन कंपटीशन से पहलवानों को ये फ़ायदा होगा कि जब वो मैट पर खेलने के लिए जाएंगे तो उनको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पॉइंट्स पर वो इन कंपटीशनों को लड़ रहे हैं और मैट पर भी वो इसी तरह के कंपटीशन लड़ेंगे। तो एक बार फिर हर्षद पहलवान को बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है वो इसी तरह मैट पर भी आएंगे और छा जाएंगे, देश दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे, भारत के झंडे को विश्व में एक बार फहराएंगे। और इसके साथ ही मैं ये सेगमेंट जो अपना महाराष्ट्र केसरी के ऊपर था समाप्त करता हूँ।